বন্ধ রাখবে। भगवान हमें शटर की तरफ जाना चाहिए, चलो। वो मेरी गोपी वो के जान के पीछे पड़ी है। ऐसे तो खुलेगा नहीं, वही चलते हैं दोबारा, चलो। ठाकुर जी, गॉड ये तो ज्यादा बढ़ गई है। नहीं जो कुछ भी करके गोपी बहन को बचाइए प्लीज। ये सब तुमने क्या किया मीरा? ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि मैच बॉक्स हमारे हाथों में थी और तुम अपनी सगी मां को जलाने ही वाली थी। मैं दादी? गोलू पोलू ने भी रोकने का प्रयास किया लेकिन तुमने गोलू पोलू को भी धक्का दे दिया। जब हम सब ने तुम्हें देखा तो तुमने गोपियों को बचाने का नाटक किया। मैं ये तो जानती हूं कि तुम बदतमीज हो, बददिमाग हो, ना समझ हो, लेकिन इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा मन इतना काला है। मन ही काला नहीं है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी काली है और इसीलिए तुमने अपनी सगी मां को
जलाने का प्रयास करके उसे मौत के मुंह में तुम धकेल रही थी। दादी अब गलत समझी मैंने ऐसा। चुप। काकी जी आप क्या कर रही थी? मेरा कसूरवार नहीं। तो फिर किसने किया है? उत्तर दो जिगर। ये सब कुछ शाशा ने किया। में तो हो जिगर, तुम क्या कह रहे हो? जिगर ये तू क्या बोल रहा है? तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं भाई, वो मैं जिगर, ये सब मेरी गोलू पोलू ने किया है, ये सोचना भी पाप है। मैं मान ही नहीं सकती ये। हाँ माँ जी, आज जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी मीरा की कोई गलती नहीं थी। हमारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यही है कि देवर जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इसी किताब की मदद से साइंस के नियमों का इस्तेमाल करते हुए इसने ये सब कुछ किया। सबसे पहले इसने छाछ में फिनाइल मिला ताकि ये गोपी भाभी को मार सके। जब तक विद्या थेपले बनाएगी तब तक तुम सारे कमरों में पोछा लगाओगी। पोछे के पानी में फिनाइल अवश्य डाल देना। विद्या थेपले बनाने से पहले गोपी बहू के लिए छाछ बना दो। जी। गोपी माँ, जिस तरह आपने मेरी मम्मी को मारा था ना, उस तरह आज आपको भी मरना हो। दूसरी बार राशि ने मिट्टी में कांच मिलाकर भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सोच, इसकी वजह से मां को चोट लग गई। गोपी मैम सर ने ये पौधे और ये गमले लेकर आने को कहा था। कांच के टुकड़े मुझे राशि के बैग में भी मिले। जब इस सब से भी वो नुकसान ना पहुंचा सके, इस बुक में मिले एक चेन रिएक्शन के नियम के हिसाब से उसने सब कुछ स्टोर रूम में प्लान किया। Oh my God!
पर भी आप पहले पहुंच गए और आपको नुकसान हो गया। उसके बाद राशि ने जानबूझकर अपने कमरे का गीजर ऑन किया। वो ये जानती थी कि वहां गोपी भाभी नहाने आने वाली, और वो ये भी जानती थी कि एक समय के बाद गीजर प्रेशर वजह से फट जाएगा। गोपी, सिलेंडर की पाइप को भी राशि ने ही काटा। माँ जी, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, वो भी हल्दी वाला। ये बड़ी बात का क्या? शॉर्ट सर्किट, वो झूले पर शॉर्ट सर्किट भी राशि ने ही किया। देखो, ये लाइव वायर इस तरह खुला मत छोड़ना, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ये कैरोसिन का चट्टा, ये इसने स्पेशली फोल्ड करके रखा था ताकि ये जो आज करना चाहती थी कर सके। ये सब तुमने क्यों किया? क्योंकि ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आशी, बोलो बोलो, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी गोपी माँ से? नहीं माँ, ये मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ इन्होंने मेरी मम्मा को मार दिया है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।